आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर रमाकांत गोस्वामी शुक्ल जी, श्री सुरेश चंद शुक्ल जी, श्री योगेश किशोर जी और डॉक्टर महेश चंद गुप्त जी और भाई बब्बर जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, विषय इतना व्यापक है कि उसको समेटना इस अल्पकाल में बहुत ही कठिन है। ये जो विषय रखा है किसान राष्ट्रवाद और कुंभ, तो कुंभ पर तो श्रीमान बघेल जी ने, महेश शर्मा जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं सिर्फ कुछ थोड़े से शब्दों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में बात करना चाहूँगा। अथर्ववेद के 12वें कांड में मातृभूमि जो सूक्त है उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है। राष्ट्र या राजनीति पर धर्म का अंकुश होना ही चाहिए। संस्कृति क्या है? वैसे तो अनेक लोगों ने उसकी व्याख्या की है, यूनेस्को ने अलग से की है, लेकिन मोटे तौर पे यह समझ लें कि जो जीवन मूल्य हैं उनका समुच्चय ही संस्कृति है। अब हरेक आदमी, हरेक राष्ट्र, हरेक समाज ये दावा करता है कि हमारी संस्कृति है। मेरा ये कहना है कि ये तो सबने माना है कि हमारा धर्म, हमारे वेद, हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जैसे मैक्स मूलर ने कहा कि विश्व पुस्तकालय की सबसे पुरानी पुस्तक है, तो हमारी संस्कृति वेद पर ही आधारित है। और संसार को हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की, हम ही ने। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है बड़ी अंतर्वेदना है। जब भी हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की या संस्कृति बात करते हैं तो जो तथाकथित बुद्धिजीवी मोमबत्ती वाले और दूसरे पत्रकार, मीडिया का रुख तो बहुत ही भयंकर हो गया है आजकल। कहने लगते हैं पौंग पंथियों की बात कर रहे हैं। मैंने एक लेख संक्षेप में लिखा है जिसमें वैदिक धर्म और विज्ञान उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। मेरा ये कहना है कि लोग डरते हैं अपनी संस्कृति का बखान करने में। ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति तब भी महान थी, अब भी महान है। संस्कृति इतनी महान है कि आप संस्कार देखो कितने वैज्ञानिक हैं कि आज लिविंग रिलेशनशिप को सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया ठीक है, बिल्कुल ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे तो संस्कार रहेंगे ही नहीं, अवैध संतान होंगी, वर्ण संकर। और अभी भयंकर जो हुआ है 277 धारा आप में से सब जानते होंगे, 370 नहीं 377, अच्छा। तो अगर नहीं है तो मैं आपको उल्लेख कर देता हूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं संपन्न घरों से, जो पाश्चात्य सभ्यता में पढ़े लिखे हैं वहां से आए हैं, उन्हें अपनी संस्कृति की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने निर्णय दे दिया कि कोई स्त्री अगर व्यभिचार में रत है तो वो अपराध नहीं है। कितना भयंकर उत्पात है, कितना भयंकर वज्रपात है हमारी संस्कृति पर। और देखो कौन लोग फल फूल रहे हैं। हमारे यहाँ कहा है अभिवादन शील से नित्य वृद्धोप सेवना चतुरता से वर्धनती आयुर्विद्या यशोबलम। कितना सम्मान देते हैं अपने बुजुर्गों को, सब कुछ है। लेकिन एक वो लोग, आजकल देखिए आप सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहने की बड़ी भयंकर चर्चा चल रही है और मीडिया इसमें सबसे बड़ा दोषी है। अपने जो आजकल बड़े महान लोग बन रहे हैं जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है, जिनको लोग व्यंग में पप्पू भी कहते हैं, अपने पूर्वजों के प्रति उन लोगों का क्या वो है
आपने कभी सुना है इसके, ये जो गांधी परिवार का जो बटवृक्ष है, इसका कौन था सबसे पहले, कहां से पैदा हुआ ये गांधी परिवार, कहां से शुरू हुआ? फिरोज गांधी से, मोतीलाल नेहरू, नेहरू थे वो नहीं, मैं गांधी की बात कर रहा हूं, फिरोज गांधी। क्या आपने कभी सुना है कि फिरोज गांधी को कोई वो देने के लिए श्रद्धांजलि जाते हो उनके कवर वगैरह पर? कभी सुना है कि उनके नाम पर कोई योजना या किसी भवन का नाम हो? वो इलाहाबाद में उनकी एक वो बनी हुई है कबर, पारसी लोगों की होती है, और कभी भी इंदिरा गांधी तक नहीं गई जो उसके पति थे, राजीव गांधी नहीं गया। अब ये महाशय जो पप्पू साहब हैं, कभी भी स्मरण किया अपने दादा को? ऐसे लोग आजकल महत्ता प्राप्त कर रहे हैं। मैं और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे गे वाला मामला है, कितना भयंकर है, अप्राकृतिक है, आपने उसको सही सिद्ध कर दिया। अब संविधान की धारा अनुच्छेद 19 की बात की जाती है, उसमें यह भी लिखा हुआ है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन सब्जेक्ट टू दी मोरालिटी, हेल्थ एंड पब्लिक ऑर्डर। अब ये सारे आप निर्णय दे रहे हैं सब इमोरल हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। आज से कोई 40-45 साल की बात है, मेरे एक मित्र थे, वो मेरे साले साहब के मित्र थे, वो लेक्चरर थे और यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद से आए थे, तो एक महिला या लड़की के साथ वो रहते थे, और जब उन्होंने शिकायत की तो बाकायदा उनको जेल हुई कि ये अनैतिकता है, बिल्कुल अनैतिकता नहीं अपराध है, लेकिन था। अब हमारी संस्कृति में इतने महान बातें हैं जिनको लोग ग्रहण करते नहीं है, और करने की बात की थी तो लोग मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए, हमारी संस्कृति विश्व में ऐसी है जो जीवन को आनंद में मानती है, मुसलमान जीवन को दुख में मानते हैं, ईसाई जीवन को दुख में मानते हैं, पारसी जीवन को दुख में मानते हैं, सिर्फ हमारी हिंदू संस्कृति जीवन को आनंद में मानती है। एक छोटा सा उदाहरण, में माफी चाहूँगा, मेरे पुत्र हैं यूएसए में, मैं वहाँ गया, बेटी उनकी 2.5 साल की, उसे घुमाने के लिए सवेरे ले गया, एक अमेरिकन महिला आई और उसने देखा सुंदर लड़की है, मिली और बाद में जाने लगी, सुनकर हाय बेबी हाय, तो मेरी पोती कहने लगी, दादाजी ये आंटी मुझे हाय क्यों कह रही थी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि ये जो जीवन को दुख में मानते हैं, इनके हर कार्य से हाय निकलती है, वो छोटी बच्ची ने भी अनुभव किया। तो हम अपने इसको सांस्कृतिक विरासत को भूल रहे हैं, एक तो माफ कीजिए अध्ययन की परंपरा ही समाप्त हो गई, अब लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं रही। हम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड से आए हैं, अभी देवेंद्र जी बता रहे थे, हमने ये कहा है कि पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई, इसलिए मौलिकता तो रही नहीं, बिल्कुल थोड़ी बहुत नकल करके लोग बात करते हैं। तो आजकल ये जो विषाक्त वातावरण हो रहा है, इसमें बहुत ही एकजुट होने की, संगठित होने की आवश्यकता है। बहुत बड़ा भयंकर चल रहा है मामला, हमारी संस्कृति के विरुद्ध, हमारे धर्म के प्रति। अब धर्म के नाम पे चढ़ जाते हैं, मैं जल्दी समाप्त करूंगा, मैं कुछ उदाहरण आपको दे रहा हूं। देखिए, ऐसा नहीं है, धर्म का अब भी दखल है, शासन पर भी है, व्यवस्था पर भी है। सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रतीक चिन्ह है, आप जाइए, ये तो धर्मस्थ तो जय वहां लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो संसद भवन है, खासकर जो लोकसभा है, उसके लोकसभा के अध्यक्ष के पीछे लिखा हुआ है, आपने बहुत ज्ञान की बात हमें बताई। अब मैं डॉक्टर शशि त्यागी का पुष्प से स्वागत करने के लिए आचल सेतिया जी को बुलाना चाहूंगा। नॉर्वे से पधारे सुरेश चंद्र शुक्ला, डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ, वे आज के विषय पर अपने विचार रखें।
आप कर्ता ध्वनि से उनका स्वागत करें। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित जन, सामने बैठे हुए सभी सम्मानित जन, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर बधाई देता हूं और जोरदार ताली के साथ। आज लोहड़ी का पर्व है, इस पर भी मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। लोहड़ी का पर्व है, अच्छा तालियां इसलिए भी बजाइए, आप जो ताली में बजाएंगे उसका हम समय अपने भाषण में मान लेंगे, ताली बजा के इस वक्त। देखिये ताली बजाने से तीन फायदे हैं। एक तो फायदा यह है कि जो आपके सामने बोल रहा है उसको प्रोत्साहन मिलता है, फिर मंच पे या हम लोग एक दूसरे मतलब सो रहे हैं तो वो भी जग जाता है। तीसरी चीज, हमारे हृदय के जो आसपास तंतु हैं यानी जो मस्कल्स हैं वो हरकत में आ जाते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जैसा कि बताया गया, मैं नॉर्वे से आता हूँ, वेशभूषा के बारे में थोड़ी टिप्पणी की गई लेकिन उस पर ध्यान न देते हुए, क्योंकि हमारे वो माननीय आदरणीय महेश शर्मा जी थे, वेशभूषा से हम अपने को किसी तरह से ढकना चाहते हैं या ढकते हैं, जो भी है वो एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है। और नॉर्वे में हम लोग इस बात के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे भारतीयों के जो पग को स्थान मिले उसमें मिलिट्री में और पुलिस में, उसके लिए भी ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। और सबका अपना अपना योगदान होता है। नॉर्वे में 22,000 हमारे भारतीय निवास करते हैं और वहाँ, जबकि नॉर्वे की आबादी 52 लाख है। मेरा मानना है, बाबा जी ने कहा, बहुत कम बातों में कहें क्योंकि बहुत लोगों को कहना है, कभी और समय मिलेगा तो आपसे बातचीत होगी। ये जैसे भी सब बातें यहाँ पर हुई कि हम लोग बहुत पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं और बहुत हमारी संस्कृति अच्छी है, ठीक है। और ये भी बताया कि बहुत सी समस्याएं हैं लड़कियाँ स्कूल में। नॉर्वे एक बहुत आधुनिक देश है, वहाँ पर हमारे मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं और भी मस्जिद भी हैं और तरह के धार्मिक संस्थान हैं। नॉर्वे में जो है, इन मंदिरों में जो भी लोग सदस्य होते हैं, या अगर हम मंदिर के सदस्य हैं तो नॉर्वेजियन सरकार 400 करोड़ हर मंदिर के सदस्य को देती है और किसी पर दबाव नहीं डालती। नॉर्वे में मैंने ये देखा कि दो बातें कह के कि किंडरगार्टन में बच्चे के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ हमको करनी चाहिए वही कहेंगे, बाकी सबकी अपनी संस्कृति है, अपना अपना है और सबकी भाषा है। और सबसे पहली बात तो ये तीन बातें कहेंगे, दोगुनी तीन। एक तो ये कि हम लोगों की जो भी मातृभाषा है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, चाहे तमिल है, हमको अपने बच्चों को मातृभाषा सिखानी चाहिए। जैसे महेश शर्मा जी ने और भारद्वाज जी ने जो कहा, अगर हम अपनी मातृभाषा सिखाएंगे तो वो समस्याएं नहीं आएंगी, हाय ओ बाएगी। मातृभाषा हम सिखाते नहीं हैं और हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल बेशक भेजें लेकिन उनको सिखा के भेजें। कक्षा 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र में बच्चा जो है 4 भाषाएं सीख सकता है। नॉर्वे के किंडरगार्टन में जो 2 से 6 साल तक का बच्चा है उसको जो है आसमान के नीचे रखा जाता है 2 घंटे रोज, चाहे वो पानी बरस रहा हो, चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे जो हो, उसकी तरह एक्टिविटी होती है, वो हम भूल गए हैं यहाँ। दूसरा जो है, कक्षा 6 से लेकर 8 तक नॉर्वे में हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, उसको जो है आरी चलाना, उसको रंदा चलाना, उसको सिलाई करना, बुनाई करना, केक बनाना और श्रमदान करना, इसके साथ साथ जो है घरों घरों में जाकर के मांगना और उससे जो है देश के लिए और विदेश के लिए सेवा करना। नॉर्वे की जो DGB का जो भी मतलब ये नहीं करें, नॉर्वे जो उनकी इनकम जो 100 रुपया उनकी इनकम हुई तो 1 रुपया वो विदेश में गरीब लोगों की सेवा के लिए खर्च करते हैं। नॉर्वे में 40% महिलाओं को वहाँ आरक्षण है, क्या नाम है, पार्लियामेंट में, और कोई भी चाहे राजनीतिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे धार्मिक संस्था हो उसमें जो है महिलाओं को 40% आरक्षण दिया गया है और वो बहुत जरूरी है। अब हम यही कहना चाहते हैं कि नॉर्वे में हम बच्चा मतलब जैसे हमारे बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ पर हमारे भाई साहब जो सर चालक हैं बहुत अच्छा बात कर रहे थे और शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को, और अच्छी बात है क्योंकि हम लोग यहाँ पर नैतिक मूल्य बता रहे हैं कि ह्रास हुआ है इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है। वहाँ पर जो है बच्चे हम जरूर पैदा करते हैं लेकिन वहाँ सरकार उसका ध्यान देती है, उसकी शिक्षा का, उसकी 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 शिक्षा के साथ साथ जो है उसके साथ कोई बाहर वाला व्यक्ति या घर वाला व्यक्ति कोई उसके साथ अन्याय ना कर सकें, उसको शिक्षा के साथ साथ उनकी जो जब बीमार होते हैं तो चिकित्सक भी उनको दी जाती हैं। अगर नॉर्वे में कोई व्यक्ति बीमार हो, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक औरत महिला और एक बच्चा, तो सबसे पहले बच्चे का इलाज होता है, फिर महिला का इलाज होता है, फिर उसका इलाज होता है।
क्योंकि उसकी आवश्यकता के अनुसार, क्योंकि बच्चा जो है अपने आप इलाज नहीं कर सकता, महिला जो है उसको बच्चे का और दूसरे परिवार का ध्यान रखना है। अब हम लोग वहाँ पर हिंदी स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर पंजाबी स्कूल भी हैं, इस माध्यम से हम लोग वहाँ सेवा कर रहे हैं। और चार पंक्तियों से, धरा पे तुम रहो, धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है और दिए सा तुम जलो, तिमिर हमारा है। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है और दिए सा तुम जलो, तिमिर हमारा है। शाख शाख चहकते हृदयों के पंछी, अकेले तुम चलो, कारवां हमारा है। अंधेरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। पूछ सके पूछो, पूछ सके पूछो, तुम अपने राम को, राम तो मेरी, राम तो मेरी आंखों का तारा है। ये काम भी तुम्हारा है, ये चाम भी तुम्हारा है, उमरा भी तुम जपो तो राम तुम्हारा है। धरा पे तुम रहो, गगन हमारा है। आदरणीय विनोद भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी वजह से मुझे यहाँ आने को अवसर मिला। धन्यवाद।